नहीं, पहले तो ये हालत थी एमरजेंसी की, इसमें क्या था कि लोग जो सपा का झंडा लगा लिया वो समझता था कि अब पूरा इस क्षेत्र का वही मालिक बन गया। उससे आग्रह है कि सभी लोग आप समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और कई लोगों का ऐसे ही आप लोगों का है रुक किया है। मेरा आग्रह है कि ऐसे ही सब लोग भी इसको आग्रह करके सभी लोगों से ज्यादा लोग वोट करें, देश के लिए आकर इस बार वोट करें, मैं यही आग्रह आप लोगों से करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 फरवरी तो आप सब लोगों से आग्रह कर रहा हूं। नोएडा की बात जहां तक ने कोशिश किया है मैंने कि खूब काम करें, 5 साल में जो सही हो वो कहो, जो गलत हो उसको बिल्कुल नकार दो, आप बोल दिया करिए। मैंने कहा अगर वही करता रहूंगा तो लोगों की जो उम्मीद है और बड़े बुजुर्गों ने सिर पे हाथ रख के जो मुझसे ये कहा, तो इसीलिए मैं कभी गलत नहीं बोलूंगा, जो सही होगा वही बोलूंगा। ये पूछते हैं लोग काम तो बहुत सारे हुए, एलिवेटेड रोड बना, अंडरपास बना, क्या नहीं हुआ। मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली के राइट साइड पे गुड़गांव है, लेफ्ट साइड पे नोएडा है। नोएडा को 200 फुट चौड़ी सड़कें आती है, रेट फिर भी एक सिफाई था। सारे नोएडा के बिल्डर तबाह हो गए, क्यों? यहाँ पे ग्लेशियर मायावती की सरकार आ गई, और गुड़गांव के बिल्डर ऊपर चढ़ते गए, क्यों? वहां पे भाजपा की सरकार आ गई। भाई अगर नोएडा के रेट आज 2 लाख 4 लाख है तो सच में इसलिए है पंकज जी, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कल किसी से बात डिस्कस भी कर रहा था, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्राइम नहीं है। और एक ऐसा वक्त था आपको याद होगा, ये टोल प्लाजा से बेट की गोलबा करके ले गए थे, टोल प्लाजा से, दिल्ली के टोल प्लाजा से एक बच्ची जो कि एक एमएनसी कंपनी में काम करती थी, क्या कुछ हुआ मैं बोलना नहीं चाहता। आज योगी जी की दहशत ऐसी है, क्रिमिनल जो है ना वो तो छोड़ो, वो तो यूपी में नहीं रहता, उसका कोई वास्ता नहीं है, उसके रिश्तेदार भी यूपी छोड़ के भाग जाते हैं, भैया इसके नाम पर तुम्हारा नाम लिख जाता, ये सच्चाई है, मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा, और मेरी बात गलत है तो बता दो। इसलिए मैंने फिर से एक बार कह दूं, अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए नाती पोते का याद रखकर और पंकज सिंह और कमल के चुनाव को यहां से चिता। पंकज अमाना जी के लिए लोगों से वोट मांगने आया हूं, प्रचार करने आया हूं। इसके बाद दादरी में भी जाऊंगा, वहां पे संजय चेची जी हमारे प्रत्याशी हैं। सभी वर्गों का वोट, सभी जातियों धर्मों का वोट पंकज अमाना को मिल रहा है। इनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वीडियो बना के और IVR दे के अपील की है वोट देने की, और उस अनुरोध को मैं जनता तक पहुंचाने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो भाषा का इस्तेमाल कल एक निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए किया, मैं यही कहना चाहूंगा कि आदित्यनाथ जी आप कोरोना कुप्रबंधन की जीवित स्मारक हैं। लोग भूले नहीं हैं उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से नदी के घाट में लाशें सड़ी हुई मिली, लोग भूले नहीं हैं कि ऑक्सीजन दवाएं बेड नसीब नहीं हुआ लोगों को, लोग भूले नहीं हैं कि जजों को भी यहां पर ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, और ये भी नहीं भूले हैं कि कोरोना की महामारी में 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया। आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोरोना की महामारी में शमशान में दलाली खाने का काम किया है, लोगों को शमशान में लकड़ियां तक नसीब नहीं। वो मुख्यमंत्री हाँ हाँ खान साहब बैठे, अरे वाह मैं देखा ही नहीं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नोएडा आया हूँ, मैं नोएडा के बारे में बोलूंगा कि हमारे काफी उम्मीद है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं वो जीत सकती है, क्योंकि आखिरी पाठक यहाँ की, मतलब यहाँ की निवासी है, यहाँ रहती है, यहाँ की प्रॉब्लम, यहाँ की समस्याओं अच्छी तरह समझती है, और समझ के लोगों को उनके शब्दों को सुनाने के लिए उनका सारी कैपेबिलिटी है, मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, लॉयर भी है,
और हमारे इतने अच्छे उम्मीदवार उठ के जो लोगों की कठिनाइयां उनके ही अनुभव है, ये हम अगर देखेंगे तो हमारे उम्मीदवार सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं कई सालों से। तो मैंने कहा साहब मैं तो हिंदुस्तानी हूं, इन सबसे पूछ लो ये कहां के हैं। मैं हिंदुस्तानी, मैं तो इस देश का हूं। भारत माता की जय। लेकिन जो जिन्ना के नाम पर वोट मांगते हैं, जिनके नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर रोते हों लेकिन उनके साथ अगर पुलिस का जवान कोई मारा जाता है तो उसकी चर्चा भी ना करते हों, ऐसे सपा बसपा से हम लोग उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और मैं तो चाहता हूं आप लोगों से एक साफ संदेश जाए इन सब लोगों को, ये सब इनको पाकिस्तान भेजकर वहीं चुनाव लड़े, वहीं का वोट मांगे। हमें तो हिंदुस्तान का वोट चाहिए, हिंदुस्तानियों का वोट चाहिए, मोदी जी को भी यही चाहिए। हाँ, लेकिन हम सब लोग, कई बार लोग पूछते हैं, ये कल भी एक मीडिया में था तो किसी ने पूछा कि आजकल योगी जी बोल रहे हैं 80 और 20 की बात बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा देखिए 20 की बात वो उन लोगों के लिए बोलते हैं जो कि अपने देश में रहकर यहीं का खाकर यहीं का आशीर्वाद लेकर भी अगर पाकिस्तान की जय बोलते हैं तो ऐसे 20% को ठीक करने की बात हम लोग करते हैं, वो फिर चाहे कोई भी हो। तो ये मैं बार बार मैं इस चीज को मैं कहता हूं। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि लेकिन अब ये 80-20 नहीं रहा, अब तो ये 90-10 हो गया, क्योंकि योगी जी बोलते हैं कि मैं मई जून में भी शिमला बना देता हूँ, खंडक लगा देता हूँ, तो इसका क्या करना है। तो इसको ये 80-20 नहीं, ये 90-10 रहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो मैंने यही बताया, हो सकता है ये संख्या इसलिए बढ़ गई हो क्योंकि आने वाली ठंडक से डर लग गया हो उनको। तो इसीलिए मैं इस पर और क्या कह सकता, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतने देश इतना आगे बढ़ गया और आज भी ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग इस पूरे देश को वापस घुमाकर रिवर्स गियर में वहीं पर लेकर जाना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये पूरे नोएडा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और देश को ये संदेश दीजिए। मैं तो देखिए चुनाव में यहां लड़ रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं कैंडिडेट की तरह मैं बात कर सकता हूं, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की अपने देश के प्रति भी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब अपने देश की बात आए तो एक तिरंगा ऊपर रहना चाहिए, अपने अपने पार्टी के झंडे को किनारे रखकर सबको एक तिरंगे के नीचे।